हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं इस समय सात बजे और मैं चल रही हूँ आज इस घर में बनाने कुछ। पहली बार यहाँ पर रहेगा और आज मैं चल रही हूँ बाटी चोखा लगाने और क्या, हाँ दाल, तड़का वाली दाल लगाऊंगी और बाटी बनाऊंगी, चोखा बनाऊंगी। तो मैं चल रही हूँ स्टार्ट करने। टमाटर मेरा, आलू मेरा उबल चुका है क्योंकि मैं रख दी थी पहले से, मूंग बना ली थी दोपहर से कि आज मुझे बाटी चोखा बनाना है। सब्जी खा के उब गए हैं तो चलिए अभी चलते हैं। आलू उबल गया है, बैंगन मेरा बना रहा है जो आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये बैंगन है और ये दूसरे छोटे मैं टमाटर को थोड़ा सा बॉइल कर दी हूँ। टमाटर थोड़ा सा जब बॉईल हो जाता है, थोड़ा सा जैसे उसके छिलके ना अच्छे से अंदर से हो जाते हैं, तो थोड़ा सा जला देती हूँ चूल्हे पे तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए मैं उसे इस तरीके से कर दी हूँ। और बैंगन मेरा बना रहा है जिसे अब मेरा तैयार हो चुका रहा है और मैं चल रही हूँ फटाफट। आटा भी गूंथ के रख ली हूँ, अब चल रही हूँ दाल के तड़का की तैयारी करने। दाल तड़का लगा के ही एक साथ ही मैं दाल को चढ़ा दूँगी, अलग से तड़का नहीं लगाऊंगी। और अभी आटा गूंथ ली हूँ, काम कुछ मेरा थोड़ा थोड़ा हो गया बस। थोड़ा सा क्या है, आलू को अभी हम मुझे तावे पे सेक के सोना पत्थर जैसे उबाल देते हैं ना, तो हम लोग तो वो होता है क्या कि थोड़ा सा गीला गीला सा लगता है, तो बहुत गर्मी है गीला गीला सा लगता है, तो वही मैं चल रही हूँ यहाँ पे। अभी थोड़ा सा देखिए कितना पसीना हो चुका है तो मैं अभी जस्ट चल रही हूँ, आप दाल को तड़का लगा के चढ़ाऊँगी और क्या करूँगी, भूल जा रही हूँ। गर्मी से हालत बदतर है और मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं है, बस पसीने ही पसीने हैं। और मैं अभी शाम को नहावा के पूजा की हूँ इसलिए मैं नाइटी पहनी हूँ इस तरीके से। हाँ, उस दिन जो मैं बता रही थी कि मैं नाइटी ली हूँ, तो हाँ यही मैं नाइटी ली थी जो मुझे थोड़ा सा कॉलरदार जो चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं अक्सर कोई भी चीज़ कॉलरदार में ही लेना पसंद करती हूँ और मुझे पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पूरा काम आटा तो गुथा गया, जो मैं आपको नहीं आटा गुथने क्या उस पर दिखाना तो है नहीं। आलू बच चुका है और लेकिन मैं उसे तावे पे जब सेकूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बैंगन भुना रहा है, टमाटर हो चुका है, दाल के तड़के की तैयारी और जो सत्तू रहेगा उसकी तैयारी मैं करने चल रही हूँ। पहले सत्तू की तैयारी करती हूँ कि सत्तू को कैसे भरना है, बनाना है, उसका पेस्ट तैयार करना है पूरा। तो उसमें अजवाइन, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, नींबू, हरे मिर्चे, धनिया पत्ती, इतना से डाल के तब हमारे पेस्ट तैयार होंगे। मेरा चेहरा सानी कर रहा ना आप लोग को, जो कि अभी कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ तो अभी चल रही हूँ मैं फटाफट करने, तो आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँगी, देखते रहिएगा। यहाँ देखिए बैगन अभी ये चार पीस बनाया है, पांचवा अभी चूल्हे पे है और भी मैं देख लेती हूँ निकलता है अभी देख लेती हूँ। और मेरा जो सत्तू का है पैकेट, ये देखिए सत्तू मंगाई हूँ मैं, चना सत्तू, इसका पेस्ट तैयार करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगेगा, तो आप लोग को भी दिखाऊँगी। तो गैस यहाँ पे देखिए अब मैं चली हूँ, आलू मेरा जो कुकर में था मैं उबाल चुकी हूँ और उबालने के बाद मैं यहाँ देखिए तवे को अपने चूल्हे पे फ्लेम पे रख दी हूँ, फ्लेम चालू हो गया मेरा गैस और मैं यहाँ पे फटाफट फटाफट तवे पे रख दे रही हूँ आलू को, क्योंकि आलू तवे पे रखने से होगा क्या कि थोड़ा सा जल जाएगा और अंदर का जो पानी उसमें पूरा पड़ा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मन सूख जाएगा, तो एक सोना सोनापन जैसे अच्छा लगता है चोखा आग में जला के भूनने वाला वो चीज़ें। यहाँ देखिए मैं बैंगन को ट्राई कर रही हूँ, तो बैंगन भी मेरा हो ही चुका है करीब करीब सारे। तो यहाँ चलिए फिर मैं दिखा रही हूँ आपको, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक और ये टमाटर, तो ये मुझे दाल फ्राई के लिए मैं सारी और मैं ट्रे में ही निकाली हूँ, ट्रे में इसलिए निकाली हूँ, ट्रे में एक साथ तीनों चीज़ आते हैं, इस गर्मी में बर्तन मारने में बहुत तकलीफ़ होती है तो नहीं ऐसी बात नहीं है, सामने ट्रे दिख गया तो मैं इसी में निकाली थी। यहाँ प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, अदरक है, टमाटर है और मैं चले गई हूँ अब कुकर को
फ्लेम मेरा ऑन हो चुका है और मैं चल रही हूँ कुकर को चढ़ा दी हूँ। अब मैं दाल का तड़का लगा और ये है मेरा घी, देसी घी, इसी में मैं तड़का। तो यहाँ मैं देसी घी लेके आ गई हूँ। ये चौमप्राश वाले डिब्बे में अलग से मम्मी रखी थी, फ्रिज में रख दी तो जम जाए इसीलिए। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे घी डाली हूँ और दाल का तड़का जब तक घी ना पड़े तब तक तड़का ही नहीं लगता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब तड़केदार घी से होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके पहले जीरा को ऐड कर देती हूँ। जीरा को ऐड करके जो मैं लहसुन प्याज अदरक मिर्च सारी काट ली हूँ दी, पहले अदरक को डालूँगी फिर लहसुन को डालूँगी फिर मिर्च है। यहाँ देखिए मैं अब चल रही हूँ अदरक को पहले डालने, जीरा डाली थी अब मैं अदरक डाल दी हूँ और थोड़ा सा मैं हाथ से ही पकड़ के चला दी। अब मैं यहाँ मिर्च डाल दूँगी फिर लहसुन डाल दूँगी एक साथ ही, ये थोड़ा सा होने जा रहा, फिर मैं प्याज को भी एक साथ में ही ऐड कर दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे, और मैं कहती हूँ ना मेरी आदत है जो पकड़ के ऐसे चलाने वाली, ये बहुत सब लोग होता है ऐसे नहीं करो जल जाओगी, बट मेरी आदत हो चुकी है अब उसे मैं कैसे सोचती हूँ नहीं करूँगी लेकिन हो जाता है। यहाँ प्याज भी मैं ऐड कर दी और ये देखिए दाल मैं ले ली हूँ यहाँ पे, अब ये सब चला रही हूँ। मेरा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए लहसुन अदरक, तो ये सब होने के बाद मैं दाल को भी धुल देती हूँ, धुलने के बाद डाल दूँगी। और यहाँ पे टमाटर अभी बाकी, टमाटर थोड़ा, मिर्च पहले थोड़ा सा गर्म मसाला आधे चम्मच मैं ऐड करूँगी, आधे चम्मच गर्म मसाला मैं ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद फिर मैं डालूँगी। यहाँ देखिए मैं सत्तू को अपने निकाल लेती हूँ कटोरी में, क्योंकि इसकी भी पेस्ट सारे मैं तैयार कर ले रही हूँ और एक साथ मेरा कई काम है। आटा तो गूँथ के रख ही ली हूँ, दाल का तड़का हो जा रहा है, सत्तू का जो पेस्ट है वो भी तैयार। तो यहाँ मैं फटाफट फटाफट तैयारियों में लग गई हूँ। तो यहाँ देखिए ये फ्राई कर रही हूँ और मैं मौसी जी मेरी बगल में उनसे बातें कर रही थी, तो हाँ मौसी जी थी, मैं उन्हें नहीं दिखाई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा राजेश मसाला मैं ऐड कर देती हूँ, इससे होता है फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो यहाँ हल्दी है, मैं पीछे बात करते 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 अपना काम भी कर रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी, बट उनको नहीं मालूम था कि ये रिकॉर्डिंग भी हो। हाँ मैं वही कर रही थी, फटाफट अपने काम को भी निपटा रही थी। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे चलूँगी, डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा गलाऊँगी टमाटर को, उसके बाद ऐड कर दूँगी दाल। देखिए दाल भी मैं लग रहा डाल दी नहीं, अभी पहले टमाटर को ऐड करती हूँ। हल्दी पड़ गए हैं और ये सब पड़ गए, तो अब मैं चलूँगी सारा चीज़ डाल के। यहाँ पे मैं डाल दी, दिखाई नहीं श्योर। हाँ तो टमाटर डालते समय मेरा फ़ोन आ गया था इसलिए बंद हो गया, तो यहाँ मैं टमाटर डालते हुए आप लोग को नहीं दिखा पाई। तो यहाँ देखिए ये धनिया पत्ती है और दाल भी मैं भी ऐड कर देती हूँ इसमें, सारा चीज़ हो जाता है। तो फिर मैं इसमें पानी डाल के बैठा दूँ। ये मेरा दाल है जो मैं डाल रही हूँ और दाल थोड़ा ही सूखा बनेगा, क्योंकि बाटी के साथ थोड़ा सूखा ही दाल, बाटी के साथ थोड़ी सूखी दाल रहे तो अच्छी लगती है पानी से। ऐसे तो हम लोग पतला ही खाते हैं बट डेली में हम लोग नहीं तड़के सूखे वाले उस तरीके से खाते हैं, बट कभी कभी मन कर देता है। और बाटी के साथ तो तड़केदार सूखा थोड़ा दाल होना चाहिए तभी उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, फटाफट फटाफट तैयारियाँ कर ले रही हूँ। अब मैं इसके बैठा देती हूँ, इसके बाद मैं चलती हूँ और काम देखे। पहले नमक को भी ऐड, मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड करने के बाद मैं इसे बैठा देती हूँ, तो आप लोग भी थोड़ी देर तक इन्जॉय करिए। अभी मैं आती, तो गाइस यहाँ पे देखिए अब मेरे ये सत्तू में डालने के लिए, ये सत्तू है मेरा और इसमें लहसुन है, प्याज है, हरी धनिया है, नींबू है और हरी मिर्च है और अजवाइन। अभी देखती हूँ मिलता है कि नहीं, कहाँ पे कहीं रखती हूँ, देखती हूँ कहाँ पे है। तो मैं ये सब चीज़ें सारा इसमें ऐड कर देती हूँ आप लोगों के साथ ही। यहाँ मैं सत्तू में डालने वाले सारे काम फटाफट फटाफट, देखिए अदरक पहले डाल दी मैं, अब लहसुन डाल रही हूँ, फिर मिर्च डाल दूँगी और मिर्च डालने के बाद धनिया पत्ती भी ऐड करूँगी, प्याज भी ऐड करूँगी। सारी चीज़ ऐड करने के बाद फिर मैं नमक का इसमें फ्लेवर दूँगी, तो पहले मैं इसको मिला लेती हूँ। तो इसको यहाँ मैं प्याज भी अब डाल दी, अब मैं सारे एक साथ लेके मसल देती हूँ जिससे काफ़ी। यहाँ तेल में डालना भूल गई दिखाना आप लोग को, तो मैं तेल और नमक डाल चुकी हूँ। अब नींबू मैं ऊपर से गा रही हूँ, नींबू डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे मिक्स कर दूँगी बहुत अच्छे तरीके से।
तो सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट सारा काम कर रही हूँ। नींबू मुझे कम लग रहा था तो आधा टुकड़ा और मैथा उसे भी ऐड कर दी हूँ। अभी मुझे अच्छे तरीके से इसे मैश कर लेती हूँ, जिससे मिलने से काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्टी फ्लेवर आ जाएगी और थोड़ा सा गीलापन भी आ जाएगा। तो मैं इसीलिए तेल इसमें ऐड की हूँ, उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे चलिए सॉरी, मैंने भूल गई चोखा जो बना रही थी भरता, उसमें सारी कटिंग जो करके मैं रखी थी उसको आपको दिखाना कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो सरसों अब ऐसे ही दिखा दे रही हूँ, सॉरी। तो यहाँ देखिए सरसों तेल भी पड़ गया, पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, और हरी धनिया और मिर्च लहसुन अदरक सारी चीज़ मैं डाल दी हूँ और उसको मसल दी हूँ। इसको भी मैं मिलाई नहीं हूँ, नमक भी ऐड कर दी हूँ। अब जब खाने सब जाएगा उसी समय मैं इसे मिक्स पूरे अच्छे तरीके से मिलाऊँगी। और अब चलिए इसे एक साइड हटा देती हूँ, ये देखिए, और इसे अभी मैं ढक देती हूँ एक साइड में। और यहाँ पे मेरा ये देखिए तंदूर है जो ये, और ये इसका ढक्कन है, और मैं इसे चली हूँ साफ़ करने। साफ़ करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। और पेस्ट तो मेरा इधर तैयार हो के रखा, आटा इधर गुथा के रखा हुआ है, सारा चीज़ तैयार है, दाल उधर बन के तड़का लग के तैयार है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना, और आप लोग भी अच्छा लगे तो खाने आ जाइएगा एंजॉय करने। तो यहाँ मैं चले देखिए ये पेस्ट लेके, और इधर मैं चढ़ा दी हूँ तंदूर, और अब मैं इसके भरने चली हूँ बाटी लगाने। तो उसके पीछे मैं मोबाइल का टेक दे दी हूँ और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। यहाँ मैं चल रही हूँ फटाफट बाटी की तैयारियाँ करने, जो बाटी का प्रिपरेशन मेरा पूरा तरीके से हो चुका है। अब मैं यहाँ भरने वाली तैयारियाँ कर ले रही हूँ, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसे बाउल बना रही हूँ आटे का। फिर इसमें जो पेस्ट है मेरा सत्तू का, उसको मैं ऐड कर रही हूँ, और अच्छे तरीके से इसे गोल सा बना लेना है और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये नहीं होता कि फटता है फुटता। हाँ, इसका मेन जब हम गैस पे तंदूर पे चढ़ा देते हैं, इसका होने का रीज़न तभी पता चलता है जब वो धीमी आंच में अच्छे से होने के बाद फट जाता है, तो समझिए बाटी हो चुकी है। अगर वो अपने से फूल के फट गया तो बाटी अच्छे तरीके से हो जाती है, नहीं तो फिर जब तक नहीं फटते हैं, फटने को वो कड़े हो जाते हैं, ऐसे नहीं होने को हो जाते हैं, बट वो थोड़ा सा कड़ापन और टाइट रह जाता है। लेकिन जो फूल के फट जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और अच्छे होते हैं और नरम भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि टाइट हो तो हम खा ना सके, हमें प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो सबसे मेन तरीका यही होता है, और जिस लोगों का ना फूले तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस पे अपने तंदूर चढ़ा दी हूँ, अब चली हूँ तंदूर के नीचे जलाने। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था तो मुझे उतारना पड़ा अपना तंदूर। तो चलिए मैं यहाँ पे लाइटर से गैस को ऑन कर लेती हूँ। ऑन करने के बाद इस पर मैं तंदूर को चढ़ा देती हूँ। चढ़ाने के बाद मैं इस पर बाटियाँ रखना स्टार्ट कर दूँगी, और बाटियाँ हमारी रखते समय सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं दिखाई। तो यहाँ पे देखिए मेरी बाटी हो चुकी, तब मैं दिखाई, उससे मैं कट कर दी बोली ना, जब काम करते समय ध्यान से उतर जाता। तो यहाँ पे देखिए मेरी बाटियाँ जो हो गई, तब मुझे याद आया कि मैं रिकॉर्ड नहीं की रखते समय, तो यहाँ मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से बाटी फूल के फट गई है, कितनी टेस्टी दिख रही है। तो जिसको खाना हो आ जाए, वेरी टेस्टी एकदम बनती है। तो और इस घर में पहली बार मैंने यहाँ आने पे बनाया है बाटी चोखा, बरसात का मौसम हो चुका था। तो आई होप आप लोग को मेरी बाटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। तो मेरे वीडियो पर अगर आप लोग प्लीज़ नए हों, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ मैं देखिए अब दूसरी बार जब रख रही हूँ तो आप लोग को दिखा दे रही हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे दिखाई तो है नहीं, होने के बाद दिखाई, तो इसीलिए मैं दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखिए कई ढेर सारे भी मैं रख के ढक देती हूँ, दो ही बार में मेरे अच्छे से हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लोग को मेरा ये अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। तो इसी तरीके से मैं अच्छे अच्छे से वीडियो पे आप लोग के साथ आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।